सब्सक्राइब करें हमारे चैनल टेक्निकल एंड प्रसाद को और बेल आइकन को दबाना ना भूलें लेटेस्ट वीडियो। और हम चलेंगे यूट्यूब पे अपने, और यूट्यूब पे मैं आपको दिखाता हूँ कैसे लिया जाता है वहाँ से भी। चलिए यहाँ से हम सिंपली सर्च करते हैं वाई ओ यूट्यूब। चलिए यहाँ से सिंपली फाइनली हम यूट्यूब पे पहुँच जाते हैं, और यूट्यूब पे यहाँ से आ जाने के बाद हम आपको दिखा देते हैं यार। हैज़ व्हाट्स अप गाइस, वेलकम टू टेक्निकल एंड प्रसाद यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, मैं आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ और एक ज़बरदस्त ट्रिक बताने वाला हूँ, जैसे कि आपको बहुत ही अच्छा लगेगा और आप हैप्पी हो जाएंगे। अगर आप एक जियो फोन यूजर हैं तो प्लीज़ ध्यान से वीडियो को लास्ट देखिएगा, और आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों मैं आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि आप दोस्तों सिंपली यूट्यूब से या अगर अदर से, मतलब आप या ब्राउज़र से या कुछ से भी आप कैसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर मान लीजिए कि जियो फ़ोन में आप इजीली स्क्रीनशॉट नहीं ले पाते हैं तो कैसे लेंगे आप स्क्रीनशॉट, मैं आपको फुल्ली एक्सप्लेन करूंगा और आपको यहां पे बताऊंगा। सो फिर गुजारिश है कि वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और फुल्ली देखिएगा और बढ़िया से देखिएगा, क्योंकि दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में बहुत ज़्यादा और बहुत ही अच्छे से ट्रिक को समझाने वाला हूँ, और आप फाइनली समझ जाते हैं तो आप सिंपली स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अपने जियो फोन में। तो मज़ा आएगा आज की इस वीडियो में, बट उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर साथ ही बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों मैं इस तरह के लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो और जियो फोन से रिलेटेड वीडियो, यूट्यूब से रिलेटेड वीडियो मैं आप लोग के लिए लेकर आता रहता हूँ। और हाँ फ्रेंड्स, मैं एक और बात बता दूँ कि हो सके तो मैं दो दिन में लेकर आने वाला हूँ एक वीडियो, जैसे कि मेरा जो चैनल से रिलेटेड होगा, जैसे कि मैंने कैसे अपना जियो फोन से कैरियर स्टार्ट किया, जियो फोन से मैंने कैसे अपना यूट्यूब चैनल किया और मैं आज यहाँ तक हूँ, मैं आपको फुल्ली एक्सप्लेन करके और फेस कैम वीडियो बनाकर आपको अगले पार्ट में, मतलब अगले बार में लेकर आपको आऊँगा, और आपको मैं बताऊँगा, आपको मोटिवेट करूँगा और मोटिवेशनल वीडियो भी लेकर आऊँगा। सब चलिए हम चलते हैं इस टॉपिक पे, और मैं आपको बताऊंगा आज कि आप सिंपली स्क्रीनशॉट कैसे ले सकते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आपको, अगर आपका जियो फोन अपडेट नहीं है तो फ्रेंड्स आप सिंपली पहले तो आप अपने जियो फोन को पहले डाटा ऑन करके और यहां से सेटिंग्स में जाके और आप अपने पहले जियो फोन को अपडेट कर दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों कोई भी न्यू ट्रिक, क्योंकि अपडेट जो भी होता है नया होता है, सॉफ्टवेयर अपडेट जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, आपको मैं बता दूँ तो F41T मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ फ़ोन, और आप कौन सा यूज कर रहे हैं आपके ऊपर डिपेंड करता है। सो फ्रेंड्स, जियो फोन पे मैं इसी पे बताता हूँ। सो फ्रेंड्स, पहले तो आपको सॉफ्टवेयर अपडेट कर लेना है, और अपडेट करने के बाद मैं आपको बताता हूँ उसके बाद आपको क्या करना है। सो फ्रेंड्स, चलिए चेकिंग फॉर अपडेट्स हो रहा है मेरा अपडेट्स, और फाइनली मैं अपडेट्स देखिए यहाँ पे मैंने कुछ बहुत पहले समय से मैंने अपडेट नहीं किया है, इसलिए थोड़ा लेट ले रहा है, तो चलिए मैं अपडेट करके आपको दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स, फाइनली मेरा अपडेट हो गया है जियो फोन, और आपको क्या करना है फ्रेंड्स मैं आपको बताऊँ तो पहले आपको सबसे पहले यहाँ पे देखिए यहाँ पे स्टोरेज पे आ जाना है, और आपको सिंपली यहाँ पे सिस्टम स्टोरेज देख लेना है और एप्लीकेशन स्टोरेज। फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको कुछ स्टोरेज खाली रखना है, तो चलिए यहाँ पे हम आगे चलते हैं। डिवाइस इंफॉर्मेशन ये देख लीजिएगा, F41T मैंने यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, और मैं आपको बता दूँ तो यहाँ पे सॉफ्टवेयर यहाँ पे 2.5 मेरा हो गया है, मैंने अपडेट किया, और मैं आपको बता भी दूंगा कि 2.5 आप कैसे अपडेट कर सकते हैं। और एक और भी मैं आपको बताऊँ तो फ्रेंड्स, कुछ दिन में आने वाला है 3.0 इसका अपडेट, सॉफ्टवेयर अपडेट इसका 3.0 आने वाला है, तो मैं कहूँगा कि आपको मैं अगले वीडियो में जब आएगा मैं आपको नया अगर 1 बजे रात को भी आ जाए तो मैं आपको ज़रूर अपडेट दूंगा। सो फ्रेंड्स, उसके बाद हम चलते हैं यहाँ से, और हम चलते हैं स्क्रीनशॉट पे, ये सब बकवास बंद करते हुए और ये सब छोड़ते हुए हम चलते हैं स्क्रीनशॉट पे, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स। सबसे पहले तो हमें अपना ब्राउज़र ओपन करना है, और ध्यान से देखिएगा मैं आपको जो बता रहा हूँ शायद आप जानते होंगे, अगर जानते होंगे तो कोई बात नहीं स्टोरी, और नहीं जानते तो प्लीज़ इसे ध्यान से देखिएगा। स्माइल, फाइनली तो हम आ गए अपने देखिए गूगल पे और ब्राउज़र पे, और यहाँ से हमें कुछ फ्रेंड्स पिक को यहाँ से हमें सर्च कर लेना, जैसे कि मैं चलिए यहाँ पे फ्लोवर का सर्च करता हूँ, FLOW, यहाँ पे नीचे देख रहे होंगे फ्लोवर का ऑप्शन आ गया है, और हमें यहाँ पे सिंपली फ्लोवर को चूज कर लेना है। यार क्लियर आ जा,
चलिए आगे यहाँ पे फॉरवर्ड पे सर्च करते हैं। और फ्रेंड्स हमें यहाँ पे बहुत सारे इमेज दिखेंगे, सो हमें इमेज का नहीं बात करना है। देखिए मैं आगे आगे जो जो प्रोसेस करता हूँ प्लीज़ ध्यान से देखिएगा और देखते रहिएगा, और मैं आपको कुछ अदर सेटिंग्स भी बताऊँगा। और हाँ दोस्तों, मैं हर वीडियो के लास्ट में आपको एक इंपॉर्टेंट टिप्स बताता हूँ जो कि आपके जियो फोन के लिए और आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त होता है यार। तो चलिए यहाँ से पहले हम चलते हैं स्क्रीनशॉट पे। इस जियो फोन में कैसे स्क्रीनशॉट लिया जाता है आजकल, तो चलिए हम दिखाते हैं आपको। वैसे मैं आपको बता देता हूँ यहाँ से, चलिए मान लीजिए एक पिक है यहाँ पे। चलिए देखिए यहाँ पे मैंने एक पिक को क्लिक कर दिया और यहाँ पे फाइनली इसे देखिए यहाँ पे। और फ्रेंड्स उसके बाद क्या करना है हमें, देखिए यहाँ पे आ गया। अगर मान लीजिए इस रोज़ को हमें स्क्रीनशॉट देना है, मतलब रोज़ को हमें डाउनलोड करना है यानी स्क्रीनशॉट देना है, यार हमारे फ़ोन में स्क्रीनशॉट कैसे आ पाएगा? तो फ्रेंड्स आपको सिंपली क्या करना होगा कि कुछ नहीं करना होगा यार, ध्यान से देखिए और देखते रहिए। चलिए तो यहाँ पे ऑप्शन पे जाएंगे और फ्रेंड्स हमें स्क्रीनशॉट लेना होगा। देखिए यहाँ पे जियो फोन में जैसा होता है मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, अदर अगर आप जानते हैं तो कोई बात नहीं, और इसे नहीं जानते तो प्लीज़ जान लीजिएगा। फॉरवर्ड चल सकते हैं, मतलब पीछे जा सकते हैं आप, गो टू टॉप सीट यहाँ से सिंपली चल सकते हैं व्यू हिस्ट्री। और आ गया हमारा मेन टॉपिक फ्रेंड्स, डाउनलोड इमेज। देखिए यहाँ पे डाउनलोड इमेज पर सिंपली क्लिक कीजिएगा, डाउनलोड इमेज हो जाएगा। अब चलिए हम अदर पे दिखाते हैं आपको और चीज़, फिर दिखाएंगे हम स्क्रीनशॉट। और हम चलेंगे यूट्यूब पे अपने, और यूट्यूब पे मैं आपको दिखाता हूँ कैसे लिया जाता है वहाँ से भी। चलिए यहाँ से हम सिंपली सर्च करते हैं वाई ओ यूट्यूब। चलिए यहाँ से सिंपली फाइनली हम यूट्यूब पे पहुँच जाते हैं, और यूट्यूब पे यहाँ से आ जाने के बाद हम आपको दिखा देते हैं यार। देखिए यहाँ पे एक मूवी का जो कि स्क्रीन है और पिक भी है, तो हमें यहाँ से स्क्रीन शॉट करना है। तो चलिए हम दिखाते हैं आपको कैसे करना है स्क्रीन शॉट। सबसे पहले हमें क्या करना है, पहले तो टू प्रेस करना है। देखिए यहाँ पे दो को प्रेस करना है, और प्रेस करने के बाद फ्रेंड्स आपको सिंपली क्या करना है कि दो प्रेस करने के बाद आप देख रहे होंगे यहाँ पे चारों कोने में जो कि एरो का मार्क आ गया, जो कि आप इजीली ऊपर नीचे कर सकते हैं। और आपको फिर यहाँ पे आपको फिर से दो प्रेस कर देना है, और प्रेस करने के बाद मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। दो प्रेस करने के बाद फ्रेंड्स ऑप्शन पर क्लिक करना है, और ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद हमें सिंपली व्यू हिस्ट्री डाउनलोड इमेज आ गया हमारा स्क्रीनशॉट, जो कि ऑप्शन इसमें यहीं रहता है स्क्रीनशॉट का। अगर आप यूट्यूब का थंबनेल डाउनलोड करना चाहते हैं तो सिंपली यहां से डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए डाउनलोड इमेज पे सिंपली आपको क्लिक कर देना है, और ये रहा हमारा डाउनलोड इमेज हो गया। तो फ्रेंड्स उसके बाद क्या करना है, हमें ऑप्शन पर जाना है, और ऑप्शन पर जाने के बाद फ्रेंड्स हमें पिन टू टॉप सीट पर ये सेट नहीं करना है हमें। चलिए यहाँ से हम क्या करेंगे, गो टू टॉप सीट पे क्लिक कर देंगे। गो टू टॉप सीट पे क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स हम बैक आ जाएंगे, और बैक आने के बाद यहाँ पे अलर्ट पे जाएंगे, और यहाँ पे देखिए मैंने दो किया है स्क्रीनशॉट, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो सिंपली चलिए यहाँ से हम एक को ओपन करते हैं फ्रेंड्स, अलर्ट पे जाएंगे, और सिंपली मैं आपको दिखाता हूँ ऑप्शन, जो कि देखिए मैंने जो इमेज स्क्रीनशॉट यहाँ से लिया था, देखिए साइड साइड का बीच का। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको बहुत ही अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर साथ ही बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। और हाँ दोस्तों, अगर आप इस ट्रिक को जानते होंगे तो बुरा मत मानिएगा प्लीज़, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। और हाँ, तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए, और जो भी पूछना हो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं आपको सिंपली रिप्लाई करूँगा और उससे रिलेटेड वीडियो भी बनाऊँगा। और ज़्यादा से ज़्यादा मिलाकर और दबा दीजिए जोर से लाइक बटन को। और हाँ दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, हम मिलते हैं आपसे अगले टेक वीडियो में, तब तक लिए बाय बाय टाटा गुड बाय। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।